नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे पासपोर्ट के ऊपर। जी हाँ साथियों, इंडिया में पासपोर्ट बनाने का एक गोरख धंधा चल रहा है। एक आर्टिकल देखा था, कार्टून छपा हुआ था। एक बंदा जाता है काउंटर पे, बोलता है आधा दर्जन पासपोर्ट देना। जी हाँ, अब आधा दर्जन पासपोर्ट देना, हालांकि कार्टून दिखता है लेकिन ये सच्चाई भी है। पूरी डिटेल से बात करेंगे कैसे इंडिया में एक पर्दाफाश हुआ है। चेन्नई की तरफ बता दूं कि कम से कम 50 लोगों को नकली पासपोर्ट बना के विदेश भेज दिया। हालांकि वीडियो में बनाता रहता हूं, पंजाब में भी काफी सारे, लेकिन वो नकली अलग है। यहाँ पे फिंगर चेंज कर दिए, एक आदमी के चार चार दो दो पासपोर्ट बन चुके हैं। जी हाँ, डिटेल से बात करेंगे, पूरा खुलासा वहां की पुलिस ने कैसे किया, और आपको भी ये जानना जरूरी है कि भाई लोग ऐसा भी कर सकते हैं पासपोर्ट बनाने से रिलेटेड। और ये वही लोग करते हैं जिनके ऊपर कानूनी पाबंदी होती है, वो लोग विदेश नहीं जा सकते। आप सबको पता ही होगा, जिनके ऊपर FIR हो चुकी है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता, या फिर ज्यादा कोई क्रिटिकल केस है तो उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, पासपोर्ट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको ये ताक में रहते हैं कि कोई हमारा पासपोर्ट बनवा दे तो हम जितने मर्जी पैसे दे दें। हालांकि चेन्नई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, तो पूरा डिटेल से हम बताएंगे किस तरह से ये नकली धंधा चला रहे थे लोग। जी हाँ, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के बता दूं, ये पश्चिमी गोदावरी वहां का कोई डिस्ट्रिक्ट एरिया है, वहां पे इसको पुलिस ने बंडाफोड़ किया। बंडाफोड़ करने के लिए भी कैसे, पुलिस को तो पता ही नहीं लगता। सच्चाई की बात यह है, वहां के एक नेशनल नाम का, एक नेशनल जी नाम का, इस नाम का कोई वहां पे बंदा था जो काफी टाइम से विदेश जाना चाहता था खाड़ी देशों में, लेकिन उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है कोई पेज फंस गया होगा, कोई मुकदमा लग जाता है। तो आपको सबको पता है पासपोर्ट, ये मुकदमा जरूर नहीं बढ़ाओ, किसी के साथ मारपीट हो गई, साधारण सी आपके खिलाफ मुकदमा हो गया तो उसमें भी आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। आप हाँ, पासपोर्ट बना हुआ है तो आप विदेश जा सकते हो, हालांकि कोर्ट वारंट पहले पीछे से निकल जाता है, आप एसी पे पेश नहीं होते, वो एक अलग इश्यू है। तो ये नेशनल नाम का बंदा था, ये विदेश जाना चाहता था तो इसका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था काफी टाइम से। तो आपको पता है जो दो नंबर का काम करते हैं ना, वो शिकार ढूंढते रहते हैं, जैसे शिकारी जंगल में शिकार ढूंढते हैं। तो वो इनके पास कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंच गए कि हम आपका पासपोर्ट बनवा देंगे, पूरा सिस्टम उसको समझा दिया। लेकिन भाई बंदे पे केस बना हुआ था, लेकिन बंदा ईमानदार था, वो सीधा का सीधा SP के पास पेश हो गया। जी हाँ, और उसने पूरा डिटेल से बताया कि इस तरह से मुझे ऑफर मिला कि आपका नकली पासपोर्ट बना देंगे। दूसरा, पूरा सिस्टम आधार का, आपको पता है पासपोर्ट में आधार लगता है, तो पूरा सिस्टम पर आधार कार्ड दूसरा बना देंगे, वोटर आईडी दूसरा बना देंगे, क्योंकि खेल पहले कहां से शुरुआत होता है, फिंगर से। आधार कार्ड में फिंगर आते हैं, सबको पता है, फिंगर एक जैसे मैचिंग हो गए तो फिर दिक्कत आती है, फिंगर चेंज कर देंगे। जी हाँ, ये गोलियों के निशान है जो हमें, ये मान लो एक गिफ्ट, गॉड गिफ्ट मिलता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता ना, लेकिन इसको भी ये लोग चेंज कर देते हैं। जी हाँ, जी हाँ साथियों, तो फिर आपको पता है पुलिस को इतना सुराग मिल गया तो इतना काफी है। फिर आंध्रा की पुलिस वहां के बता दूं, उनके बताए अनुसार वहां पे छापामारी की तो पकड़े गए, एक ही घर के अंदर ये लोग छोटे से काम में ये काम कर रहे थे। अब उनका देखिए सिस्टम क्या था, आप समझ लीजिए, ये तीन चार लोग थे, अकेला बंदा नहीं था इसमें। बता दूं, एक इंडिया का बंदा था, ठीक है, एक श्रीलंका का बंदा था, और दो बंदे कुवैत में बैठे थे। तीनों चारों एक सिस्टम बना रखा था, क्या करते थे, जो श्रीलंका वाला बंदा था इंडिया में वो फिंगर चेंज करने का काम करता था, और इंडिया में जो आंध्रा में बंदा था वो वहां का ट्रेवल का काम देखता था कि उनको वीजा टिकट फिर बना के देनी है, और जो कुवैत में एक लेडी और एक जेंट्स बैठे थे वो वहां पे उनको जॉब वगैरह लगवाते थे। इस तरह से इनका बड़ा धंधा चल रहा था, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। वो लोग क्या करते थे, फिंगर चेंज करते थे। फिंगर चेंज करने के लिए आपको पता है पहले इंसान उनको बेहोश करते, बेहोश करके फिर उनके फिंगर को उखाड़ना, यहां से चमड़ी को उखाड़ना, फिर उनका ऑपरेशन करते थे वो। जी हाँ, आप इसके फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। उसके बाद में उनका पूरा सिस्टम, पूरा आधार का, आपको पता है फिंगर चेंज हो जाते हैं ना, 10 से 15% फिंगर चेंज होते हैं, पूरा के पूरा नहीं होता, 10 से 15% फिंगर चेंज होते हैं, वो पहले वाले में फिर मैच नहीं होते उनके आधार कार्ड में, वोटर आईडी में। तो उस वजह से फिर उनका दोबारा दूसरा आधार कार्ड दूसरे नाम से, पूरा एड्रेस पता सब चेंज कर देते, और वो डॉक्यूमेंट लेके फिर बंदा
पासपोर्ट ऑफिस में जाता, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराता और डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल होते, फिर वो फिंगर देता, नया पासपोर्ट बना देते। सुने पुलिस जानकारी में सामने आया, लगभग इन लोगों ने 50 लोगों के पासपोर्ट बना के विदेशों में लोगों को भेज चुके थे। जी हाँ, अब पुलिस को जानना यह है कि भाई जो इनमें कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कौन कौन से देशों में वो गई है, वो पुलिस को जानना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इतना रिकॉर्ड कर पाना संभव नहीं है पुलिस के लिए भी। रैकेट में कौन कौन शामिल थे ये भी आपको जान लेना चाहिए। का रामबाबू नाम का एक मैन आदमी, मैन किरदार ये था बोका रामबाबू, जी हाँ, जो आंध्रा का था, पहले कुवैत में रहता था। कुवैत में अवैध रूप से शराब बेचने के चक्कर में ये पकड़ा गया, ब्लैकलिस्ट हो गया, इंडिया आ गया। इसके पासपोर्ट आपको पता है, ब्लैकलिस्ट वहां हो गया तो इंडिया आया, पासपोर्ट तो नहीं था, दूसरा पासपोर्ट बनाना था, तो ऐसे लोगों के फिर यहाँ पर भी कोई मुकदमे होंगे, तो इसका पासपोर्ट नहीं बना। वहां कुवैत में उनकी दोस्ती बता दूं, जाकिर हुसैन के पिताजी थे वहां कुवैत में, और एक मेरी नाम की महिला थी, उनसे उनकी दोस्ती हो गई थी। तीनों ने फिंगर प्रिंट बदलने का एक सिस्टम चलाया गोरख धंधा के, भी हम फिंगर प्रिंट लोगों के बदल के नकली पासपोर्ट दूसरा पासपोर्ट बना के देंगे। पुलिस के मुताबिक लगभग 40-50 लोगों को ये 2 से 3 महीने में बाहर भेज चुके थे। जी हाँ, पुलिस ने बताया जाकिर हुसैन के पिता और मेरी दोनों कुवैत में बैठ के रहते हैं, रैकेट चलाते हैं पूरा का पूरा। रमेश रेड्डी जो नल्लोर में ट्रेवल एजेंट है, वो पूरा ट्रेवल का काम संभालता है, जैसे पासपोर्ट बन गया उनको वीजा की व्यवस्था करवाना, टिकट की वगैरह वगैरह, वो उनका काम करता है। जाकिर हुसैन जो बता दिया मैंने श्रीलंका का है, वो इस सिस्टम को फिंगरप्रिंट बदलने की पूरी जिम्मेदारी संभालता है, वो पूरा इसका काम करता है। बोका रामबाबू इलाके में जाके ऐसे लोगों को ढूंढना जिनको पासपोर्ट बनाने की सख्त जरूरत है, लेकिन उनके ऊपर केस वगैरह है, उनका पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, वो पासपोर्ट बनाने की जुगत में है लेकिन उनका कोई पासपोर्ट नहीं बना पा रहा है, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढ के लाता था। एसपी ने अपने बयान में बताया कि इनके अलावा और भी इन लोगों के साथ में है, उनके हम छानबीन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस का इसमें भी रोल है, पुलिस वाले भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, क्योंकि पुलिस के बिना इतना बड़ा रॉकेट नहीं चल सकता था, क्योंकि इंसान के फिंगर चेंज हो जाते हैं, इमेज है ना ये फोटो, ये थोबड़ा, इसकी भी फिर सर्जरी करवानी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को, तो ये सर्जरी करवाना इतना संभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी इसमें रोल सामने आया है। हालांकि भारत में ये पहला मामला आया इस तरह का कि भाई फिंगर बदल के पासपोर्ट बनवाने का, आज तक कोई इसके अलावा कोई मामले पहले से भारत में नहीं थे। पुलिस के अनुसार बताया कि जो आदमी नकली पासपोर्ट दूसरा फिंगर बना के बदल सकते हैं, तो फिर दूसरे देशों के फर्जी वीजा भी ये लोग बनवाते होंगे। हालांकि पुलिस छानबीन कर रही है, अभी तक वीजा का मामला ऐसा इनके सामने नहीं आया इन लोगों के द्वारा जो फिंगर ही बदलने का, हालांकि पुलिस देखते हैं आगे कोई नतीजा क्या आता है। लेकिन भाई आपको जान लेना चाहिए कि लोग देखो कितने दिमाग लगा लेते हैं, ये लोग साइंटिस्टों को, विज्ञान को, साइंस को भी पीछे छोड़ देते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग फिंगर बदल के पासपोर्ट बनवा रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि सोचते क्यों नहीं कि यार ये इतना, ये जो गलत काम है कितने टाइम तक चलेगा। ठीक है, दो पैसे कमा लिए होंगे थोड़े बहुत, 50 लोगों से कितने कमाए होंगे, 20-30-50 लाख रुपए, अब ये कितने टाइम के लिए अंदर जाएंगे, देशद्रोह का मुकदमा बनता है सीधा का सीधा। पासपोर्ट फिंगर बदल के पासपोर्ट बनवाना एक तरह से देश के साथ धोखाधड़ी होती है, अब बाकी पुलिस कौन सी धाराओं में इनका मुकदमा दर्ज करती है वो एक अलग सोचने की बात है। बस आप लोगों के साथ शेयर किया भाई, आपके भी कहीं अगर कोई ऐसा लगता है कि मुकदमा वगैरह है, कोई एजेंट बोल दे कि मैं पासपोर्ट बनवा दूं, बिल्कुल भी इन चक्रों में नहीं आना है, वरना आज पासपोर्ट बनवाए पता चले 5 साल बाद आप सो रहे हो और घर पे पुलिस आ गई पकड़ने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी काम नहीं करें। अपना जो मैटर जिस वजह से पासपोर्ट नहीं बन पा रहा उसको सुलटाने की सोचें, उसको खत्म करें, उसके बाद आराम से एक नंबर में अपना काम करवा के विदेश जा सकते हैं। बस आज की जानकारी इतनी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।